वेल्थस्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने अपना एक नया हाई बनाया है और इस हाई का सेलिब्रेशन वास्तव में काफ़ी अच्छा बनता है क्योंकि हर कोई जो भी स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता है वो यही होप रखता है कि उसका पैसा बढ़े। तो यहाँ पे इंडेक्स ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। अब आपका पोर्टफोलियो भी उसमें अगर आपके क्वालिटी स्टॉक होंगे, हैवी वेट होंगे, तो जाहिर सी बात है वो भी आपका हरे निशान में होगा, आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा होगा। अब इस वीडियो में हम हर रोज़ की तरह निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि कल के लिए हमारे पास कैसा सिनेरियो बनेगा क्योंकि जाहिर सी बात है परसों एक्सपायरी है। तो ये जो दो दिन होंगे तो ये कैसे होने वाले हैं, ज़्यादा वॉलेटाइल रहेंगे या फिर कंसॉलिडेटेड वाले रहेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे अब ये दो दिन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनमें कहाँ पे कैसी पोजीशन बन सकती है। दोस्तों देखो अब क्या दिक्कत आ गई है, अब दिक्कत सिर्फ ये है कि हमने जो लाइफ टाइम हाई था वो हमारा बन चुका, आज हमने वो बनते हुए देख लिया और जो अभी जो रिसेंटली जो हाई बना था उसको ब्रेक करके हमने उसके ऊपर नया लाइफ टाइम हाई बना लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब नीचे से क्या हुआ था, जब लोगों ने पोजीशन बनाई थी, ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई थी, बड़े लोगों ने पोजीशन बनाई थी, तो उसका जो टारगेट था वो लाइफ टाइम हाई का बनता था, वो नेचुरल चीज़ है। लाइफ टाइम हाई के ऊपर मार्केट कितना सस्टेन करेगा ये कोई नहीं जानता। ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि ग्लोबल मार्केट का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है, हर जगह पॉजिटिविटी है और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी यूएस चाइना ट्रेड डील का जो सॉल्यूशन निकलने वाला है, जो यहाँ पे समझौता होने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस ला के मार्केट में उसने एक बूस्टअप दिया है। उस बूस्टअप में जो पार्टिसिपेंट किया है वो सबसे अच्छा मेटल सेक्टर किया है, तो मेटल स्टॉक्स काफ़ी भागे हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, सब ने काफ़ी अच्छा मोमेंट दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्या है कि देखिए कल का हमारा जो सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कल सिंपल सा एक चीज़ बोली थी कि अगर आपको लाइफ टाइम हाई लगने से पहले अगर 12,035 मिलता है तो आप एक कॉल लेके काम कर सकते हैं जब तक लाइफ टाइम हाई नहीं लगेगा। तो ऐसी हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो गैप अप सीधा ओपनिंग हुआ और नया लाइफ टाइम हाई बन गया निफ्टी के अंदर, तो हमारा लक फैक्टर इतना फेवर नहीं रहा, हमें कोई एंट्री का मौका नहीं मिला। बट जिसने लाइफ टाइम हाई के पास पुट ले ली होगी और जैसा कि मैंने बोला था कि वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे उसने थोड़ा बहुत पैसे कमा लिए होंगे। अब यहाँ पे हमारे लिए सिनेरियो कैसा बनेगा कि अब कल कैसे हम ट्रेड करें, तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्लोजिंग की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 12,037 पे क्लोजिंग आई है और 36 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है आज के दिन में। जाहिर सी बात है एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया, उस वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना तय थी। तो देखते हैं कैसा यहाँ पे ऑप्शन चेन बता रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, देखिए 12,000 से स्टार्ट करते हैं, तो 12,000 की आप पुट देख सकते हो यहाँ पे। पुट पे अभी भी यहाँ पे आपको दिख रहा है 47,59,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, बट 11,900 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट घटा है, कि 7,44,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया है और 30,18,000 का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे रह गया है। यानी अभी भी 11,900, 11,950 और 12,000 इन तीनों लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है। वहीं अगर हम 12,100 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 12,100 के लेवल की बात करें तो 12,100 का जो पुट है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि करीब 13,83,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट में। और अगर कॉल की बात करते हैं तो कॉल में काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है 12,100 की, जो कि यहाँ पे दिखला रहा है कि 29,58,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है आज, जिसकी वजह से ही मार्केट इसके ऊपर टिक नहीं पाया, वहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिला। अगर यहाँ पे बात करें इस दो दिन में कि और कितनी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो देखो अब यहाँ पे मेरे को ऐसा फील नहीं आ रहा कि कोई फर्दर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बन सकती है क्योंकि 12,000 पे ही एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है जो कि करीब 25,27,000 का है। ठीक है, अब 12,000 के नियरेस्ट ऑलरेडी निफ्टी है, तो अगर यहाँ पे 11,999 पे भी अगर निफ्टी क्लोज हो जाएगा तो अभी ये जो कॉल पुट होंगी ना वो दोनों ज़ीरो हो जाएंगी। तो यानी यहाँ पे अब जो कॉल राइटर बैठे हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन उनके लिए जब है जब निफ्टी 12,100 के ऊपर निकल के अब टिके, तो वो इतनी जल्दी पॉसिबल लग नहीं रहा अब,
क्योंकि सिनेरियो पॉजिटिव है नो डाउट, बट ऊपर टारगेट हिट हो चुका है, तो जो ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं वो थोड़े से निकल चुके हैं और अब ऊपर से बिकवाली आ सकती है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं दिख रहा है मेरे को क्लियर कट, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कल का दिन अवॉइड करो, ये बेसिकली ये 2 दिन अवॉइड ही करो ट्रेडिंग, इन्जॉय करो, अपने पोर्टफोलियो को चेक करो कि आपका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें गलत स्टॉक तो नहीं पड़े हैं और आपको कौन से स्टॉक चूज़ करने चाहिए, तो ये सारे चीज़ों पे आप अपना ये 2 दिन निकालिए, ताकि ट्रेडिंग 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 की तरह होती है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, ट्रेडिंग हर रोज़ नहीं होती। तो मेरे हिसाब से मैं यही बोलूँगा आपको कि आप ये 2 दिन अवॉइड करिए ट्रेडिंग। फ्राइडे को नई सीरीज़ स्टार्ट होगी, तब हम देखेंगे, क्योंकि अब ये क्या मंथली सीरीज़ है, हो सकता है निफ्टी गिर जाए, हो सकता है भाग जाए, इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, देखो 12,000 और 12,100 और नीचे आपका 11,950 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही है। तो ये चीज़ इतने 100-150 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज को क्या प्ले करोगे, सोचो। पूरा दिन कंसोलिडेट करेगा, एक ऐसा टाइम आएगा 10-15 मिनट का जिसमें कि निफ्टी ऊपर नीचे होगा, और उस 10 मिनट के टाइम के लिए आपको पूरे दिन पोजीशन बना के रखनी पड़ेगी, और उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप देख रहे हो, देखो दोनों तरफ लाल लाल दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, वो इसीलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो पोजीशन थी वो घट गई है, और जाहिर सी बात है कंसोलिडेशन की वजह से ये धीरे धीरे जो टाइम वैल्यू थी वो भी ख़त्म हो रही है और ऑप्शन के प्राइस घट रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये लाइफ टाइम हाई जो लगा है, इसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करिए, थोड़ा सा ये 1-2 दिन में आप चूज़ करिए स्टॉक कोई अगर आपको ख़रीदने हो, तो वो कौन से स्टॉक हो जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में लगा के रखना चाहिए, और उन पर ध्यान रखना चाहिए कि उनमें कोई डिप आती है तो आप उनको ख़रीदिए। डेफिनेटली इस ये एक मोमेंटम, काफ़ी अच्छा मोमेंटम होता है, क्योंकि जो भी बंदा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करता है उसके लिए ये हैप्पीनेस का दिन है कि हाँ एक नया मार्केट ने हाई बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि आगे और भी चीज़ें इम्प्रूव होंगी और हम एक नए हाई की तरफ बढ़ेंगे जो आगे आने वाले दिनों में दोबारा से लगेगा। तो इस चीज़ को आप समझ के काम करिए, और मेरे हिसाब से ये 2 दिन आप ट्रेड ना ही करिए वही ज़्यादा बेटर है। अगर आपको ट्रेड कोई सूटेबल आपके हिसाब से मिलती है तो आप ट्रेड करिए, मेरे हिसाब से कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि जिसमें ट्रेड करनी ज़रूरी हो, तो ये चीज़ है। मैं इस पर्टिकुलर 2 दिन को अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इन 2 दिन को अवॉइड करिए। बाकी मार्केट है, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, हो सकता है कल गिरावट देखने को मिल जाए या फिर दोबारा से 100 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल जाए, ये मेरे को ऐसा फील आता है। बाकी मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि मार्केट ही भगवान है, मार्केट ही सब कुछ जानता है, मार्केट से आगे हम लोग नहीं हैं। हमारे हिसाब से तो सिर्फ डाटा ये बोल रहा है कि छोटा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, उस कंसोलिडेशन में हम पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे, क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन में तो आपको प्रॉफिट तभी मिलता है जब थोड़ा बहुत मोमेंटम बना रहे, अब वो मोमेंटम नहीं है तो छोड़ दीजिए, अवॉइड करिए यहाँ पे ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी का भी सेम केस है कि बैंक निफ्टी में अगर बात करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने बोला था कि आपको 31,300-31,400 का जो जोन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। तो यहाँ पे आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी जहाँ पे 31,400 तक बैंक निफ्टी आया था और वहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो ये जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो थोड़ी बहुत रह सकती है यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ, तो आप बैंक निफ्टी को भी अवॉइड करके ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी हो सकता है आपको 32,000 के टारगेट बना के दे दे और निफ्टी जो है वो आपको 12,150 तक जाता हुआ दिखाई दे जाए, बट ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बिकॉज कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव खबर नहीं आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग अगर बहुत ज़्यादा शार्पली आती है और अगर आपको कोई भी डिप मिलती है बहुत ही फास्ट, तो आप एक बार कॉल लेके काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये बोलूँगा कि ये 2 दिन इन्जॉय करिए, अवॉइड करिए, ये ज़्यादा बेटर सिनेरियो रहेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे मार्केट में। एक बार डाओ फ्यूचर देख लेते हैं कि डाओ फ्यूचर कैसा काम काज कर रहा है, ताकि हमें थोड़ा सा और अंदाज़ा मिले। देखिए 16 पॉइंट यानी अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड करते हुए भी आज भी डाउ जोन्स पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है, तो ये बेहतरीन सिग्नल्स हैं जिसमें कि आपको अब मार्केट में जो लार्ज कैप थे वो चलते हुए आपको दिखाई दे गए। अब हो सकता है थोड़े बहुत मिड कैप और बाइंग आए, और यहाँ पे निफ्टी के लिए अगर निफ्टी इसी तरीके से अगर 11,900 को अगर होल्ड करता रहता है कंटिन्यूसली, तो आपको फिर 12,200-12,300 तक के टारगेट आपको आने वाले दिनों में दिख जाएंगे। तो आप अपने सिनेरियो को पॉजिटिव में रखिए, कोई भी डिप आती है तो उसमें आप पोजीशन बना के काम कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर दिन, आज का दिन का डाटा आपको समझ में आ गया होगा, और हमने जो सिनेरियो समझाया है कि हमें कल के और परसों का दिन अवॉइड करना चाहिए वो ज़्यादा बेटर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।